नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आर ओ आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी परीक्षा 3 मई 2020 को होना निर्धारित है तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि उसकी जो सामान हिंदी है उसके जो छह सेगमेंट हैं उनको हम पूरे सिस्टमेटिक वे में यानी पूरा विधिवत उसको जो है पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को डीपली कवर करेंगे उस पर जो भी प्रश्न आते हैं उनसे जो भी उदाहरण संभव हैं सबको जो है विधिवत यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा तो आज उसी श्रृंखला में ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने शुरुआत की है सबसे कठिन टॉपिक क्योंकि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध अगर देखा जाए तो आपके जो छः टॉपिक हैं उनमें सबसे कठिन टॉपिक कौन सा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध सिलेबस के बारे में आप लोग जानते हैं ये आपका सिलेबस है तो यहां पर हम देख सकते हैं विलोम शब्द वर्तनी एवं अनोक शब्दों के लिए एक शब्द तत्सम एवं शब्द, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द तो अगर आप देखें तो इसमें से तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको सीधे सीधे लर्न करना होगा सीधे अर्थों में कहें तो रटना होगा याद करना होगा लेकिन कुछ जो है ऐसे टॉपिक है आपके जिनमें आप जो है थोड़ा सा अगर उसके बारे में समझ विकसित कर लें उसको अच्छे से पढ़ लें तो आप जो है बिना रटे भी जो है उस टॉपिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमने स्टार्टिंग आज से की है और आप जो है अगर रेगुलर फॉलो करेंगे चैनल को रेगुलर वीडियोस को देखेंगे तो ये हिंदी जो है खासकर समीक्षा अधिकारी की यहाँ पर मैं बात करूँ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी इसके अलावा जो अभी हमारे और सभी चैनल पे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं किसी ना किसी अन्य एग्जाम में भी उनके हिंदी आती है तो आप पहले इन छह टॉपिक्स को जो है यहाँ पर पढ़ें क्योंकि ये छह टॉपिक ऐसे हैं कि सामान्य हिंदी जहां भी पूछी जाती है उनमें ये जरूर पूछा जाता है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे दू कि अगर आप जो है हमारे क्रैश कोर्स जो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में है उससे जुड़ना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी समग्रता के साथ और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे मटेरियल के साथ में करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्जाम टारगेटेड है तो आप हमारे इस टेस्ट प्रोग्राम से हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं इसके लिए आपको जो है सीधा सीधा हमारी जो टेस्ट की डेमो पीडीएफ है उसको प्राप्त करना होगा आप हमारे ऐप पर डिकोड एग्ज़ाम के जो प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड करके उसमें अपना नया साइन अप बना कर लॉग इन कर लें लॉगिन करने के बाद जब आप आर ओ आर ओ के टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है डेमो टेस्ट ऑनलाइन दे भी पाएंगे साथ में वहाँ पर आप पी भी डाउनलोड कर सकेंगे साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में भी जो है उसका लिंक दिया गया है और आप इस नंबर पर 9506742546 इस नंबर पर ज्वाइन आर ओ टाइप करके भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से ये एक व्हाट्सएप नंबर है या आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं आपको जो है डेमो टेस्ट की फ्री पी डी एफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी इस टेस्ट प्रोग्राम में कुल 11 फुल टेस्ट हैं जो पूरी तरह से जिसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्ड पी डी एफ आपको मिलेगा आप अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं भी देंगे तब भी आपको जो है पी डी एफ डाउनलोड करने की सुविधा है आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं इसके अलावा जो है नौ करंट अफेयर्स के टेस्ट है तीन मई को आपका एग्जाम है सत्रह अप्रैल को ये पूरा क्रैश कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा जो करंट अफेयर्स के टेस्ट है उनको लास्ट में रखा गया है इसीलिए कि आप जल्द जो है अद्यतन यानी जितना भी उस समय का अपडेटेड करंट अफेयर्स हो उसको जो है पढ़ तो कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि तो वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि की आवश्यकता हिंदी में क्यों पड़ती है क्योंकि मानक हिंदी का एक प्रकार है जो संस्कृत से जन्म लेती है संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं उनसे जो हिंदी में आए हुए शब्द हैं उनको हम तद्भव कहते हैं ये सामान्य सी चीज़ है जो सभी लोग जानते हैं लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और हिंदी तरह तरह से जगह जगह से क्षेत्रीय भाषाओं में बोली जाती है उसके कारण उच्चारण की तो गलतियां हो ही जाती हैं साथ में हम लगातार किसी शब्द को अगर गलत उच्चारित करते रहते हैं तो हम उसको लिखने में भी गलतियां शुरू कर देते हैं तो यहीं पर रोल होता है कि वर्तनी की दृष्टि से क्या शुद्ध है तो सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम जहां पर आपको जो है समीक्षाधिकारी बन सचिवालय में हिंदी को ही डील करना है मोस्टली इसीलिए उसमें ये टॉपिक जो है स्पेशली रखा गया है कि आप हिंदी के मानक शब्द जो हैं जो शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं वाक्य हैं उनकी नियम क्या है उनको कैसे लिखा जाता है इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कौन कैसे होती हैं और उनसे संबंधित कुछ नियम हम केवल शब्द और उनकी अशुद्धियों को नहीं देखेंगे जहाँ पर आपको कोई नियम बताने की आवश्यकता होगी वहाँ नियम भी आपको बताया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग जानते हैं बारात बहुत ही कॉमन शब्द है बोलने में लोग अक्सर गलती करते हैं बारात बोलते हैं कि बारात आने वाली है तो चूंकि हम बोलते गलत हैं इसीलिए हम लिखते भी गलत हैं बारात शब्द जो है बिल्कुल गलत है वर्तनी की दृष्टि से और वर्तनी की दृष्टि से यानी लेखन की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है बरात इसी प्रकार सांसार कहते हैं संसार संसार तो यहां पर जो है संसार का सही रूप क्या होगा इस तरह से सा पर आ की मात्रा लगेगी ना कि पहले वाले सा पर अभ्यार्थी अभ्यर्थी भी जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है व्याकरण की दृष्टि से गलत है अभ्यर्थी सही प्रकार से इस प्रकार से लिखा जाएगा आप इनमें से मैक्सिमम शब्दों को सही रूप में जानते हैं उनमें से कुछ जो है ऐसे विशिष्ट शब्द हैं हो सकता जिनके बारे में आप नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आप जो है मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेंगे अब अत्यधिक और अत्याधिक तो आप जो है कभी अगर गूगल कीबोर्ड पे हिंदी टाइप करते हैं उस समय भी आप देखते होंगे अत्यधिक लिखते समय पहला जो है ऑप्शन अत्याधिक का आता है यानी या पर आ की मात्रा लग के दिखाता है वो लेकिन सही क्या होता है अत्यधिक शब्द जो है बिल्कुल सही होता है वर्तनी की दृष्टि से इसी तरह से अधीन और अधीन तो आधीनता जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि आधीन शब्द सही है जबकि अधीन शब्द बिल्कुल गलत है हमेशा अधीन छोटा जो है यहां पर बनेगा इसी प्रकार से अनाधिकार तो अनाधिकार में क्या है ना पर आ की मात्रा लगाई गई है जो कि गलत है जबकि अनाधिकार जो है किस तरह से लिखा जाएगा अन अधिकार तो इस तरह से अन अधिकार की जो है शुद्ध वर्तनी जो है ये होगी इस तरह से कई सारे शब्द हैं जो गलत लिखे जाते हैं फिर आध्यात्म ये बहुत कॉमन शब्द है लगभग सभी लोग जो है बोलने में इसकी गलती करते हैं क्योंकि हम उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हम आध्यात्म आध्यात्मिक इस तरह से हम जो है बोलते हैं अपनी बोलने में तो आध्यात्म शब्द जो है लगता है बोलने में सही लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से लेखन की दृष्टि से बिल्कुल गलत है इसका शुद्ध शब्द क्या होगा अध्यात्म होगा ना कि आ बड़ा इसमें नहीं होगा फिर ढांकना तो ढाकना की जगह जो है ढकना शब्द जो है बिल्कुल सही होता है दुरावस्था प्राय लिखते भी हम इसी तरह से हैं दुरा लेकिन इसका शुद्ध जो लेखन है वो किस प्रकार से होगा दुर्वस्था रा पर आ की मात्रा लगाना यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से अब हम देखते हैं जो बड़ा आ होता है उसके स्थान पर हम छोटा आ कहाँ कहाँ पर लिखते हैं मतलब जहां पर बड़ा लिखना चाहिए वहां पर हम छोटे आ का इस्तेमाल करते हैं तो आशीर्वाद ये शब्द वैसे भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आशीर्वाद ना होके ये क्या होगा आशीर्वाद होगा बड़ा आ यहाँ पर बनाया जाएगा इसी प्रकार से नाराज कहते हैं वो नाराज हो गए वो नाराज हो गए तो नाराज शब्द यहाँ पर सही है ना पर जो है आ की मात्रा लगेगी तो नाराज यानी बड़ा आ यहाँ पर यूज होगा फिर बाजार बाजार जगह बाजार ये जो है इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है जो आपको जो है एग्जाम में लिखना होगा भगना मैं भग कर गया तो मैं भग गया इस तरह से जो है कभी कभी बोलने की शुद्धियां होती हैं तो इसको जो है सही शुद्ध क्या है भागना जो है इसका सही रूप है महाराज कहते हे महाराज महाराज तो जो है बहुत ही कॉमन गलती होती है महाराज महाराज बोलते हैं जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या है महाराज महाराज जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लेखन की दृष्टि से शुद्ध है फिर महात्म्य तो महात्म्य जो है यहाँ पर देखने में दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर महात्म होना चाहिए माँ पर जो है आ की मात्रा यानी बड़ा माँ होना चाहिए आधा ता आधा मा उसके बाद उस तरह से आएगा तो महात्म्य जो है ये इस तरह से सही लिखा जाएगा पताल लोग पताल बोलते हैं लेकिन उसका जो है शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी क्या है पाताल यहाँ पर बड़ा आ का प्रयोग होना चाहिए आगामी की जगह आगामी शब्द जो है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं इसी तरह के अन एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर बड़े आ के स्थान पे छोटे आ का प्रयोग होता है क्योंकि अगर हम वर्तनी शुद्धि देख रहे हैं सीख रहे हैं तो हमको एक सीक्वेंस से चलना होगा तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे आवश्यकता तो यहाँ पर क्या है आवश्यकता लिखी है आ पर जो है कोई भी मात्रा यानी यहां पर छोटा आ लिखा जबकि आवश्यकता आ पर बड़े आ की मात्रा होना जो है आवश्यक है फिर आजमाइस प्राय इसी तरह से लिख दिया गया, गया। जबकि जो, जो है आजमाइस होना चाहिए आप पर यानी यहाँ पर बड़े का प्रयोग होना चाहिए आहार की जगह आहार शुद्ध शब्द है आवाज की जगह आवाज लिखा जाना चाहिए जगेगा वो जगेगा की जगह वो जागेगा जागेगा जो है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है फिर तालाब जो है इसका वर्तनी गलत है तालाब में तामय आ की मात्रा यानी तालाब यह जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है फिर हम बात करें पजामा तो पजामा जो है पाजामा इस तरह से यहां पर बड़े आग का प्रयोग यहां होना चाहिए प्रमाणिक प्राय जो है प्रमाणिक और प्रामाणिक दोनों शब्दों में कोई अंतर लोग नहीं समझते हैं कोई प्रामाणिक लिखता है कोई प्रामाणिक लिखता है और बड़ी अच्छी अच्छी किताबों में जो इस तरह की गलतियां दिख जाती हैं तो काफ़ी प्रचलित है ये गलत वाला रूप लेकिन आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये प्रामाणिक होता है हमेशा जो है प्रामाणिक ये शब्द जो है शुद्ध है जिसको आपको याद रखना है फिर आध्यात्मिक तो आप देख सकते हैं आध्यात्मिक में आ छोटा है जबकि यहाँ क्या होना चाहिए आध्यात्मिक होना चाहिए क्योंकि तो अगर हम अध्यात्म और आध्यात्म वाली जो गलती जो हमने पीछे देखी वही यहाँ पर है यहाँ पर आ पर बड़े की मात्रा होनी चाहिए आध्यात्मिक शब्द जो है यहाँ पर सही होगा फिर नदान की जगह नादान ये जो है बिल्कुल सही शब्द होगा तो कुछ और उदाहरण आ और आ वाले ही देखते हैं आहार आहार ये हमने देख लिया कि किस तरह से आहार और आहार में जो है गलती करते हैं उसके बाद अजमायश कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं जबकि आजमाइस आप पर की मात्रा आनी चाहिए साप्ताहिक तो साप्ताहिक जो ये लिखा हुआ ये अशुद्ध है शुद्ध शब्द क्या होगा साप्ताहिक तो साप्ताहिक जो है ये सही है फिर अत्याधिक अत्यधिक ये हमने पीछे भी देखा आपका रिविजन हो जाएगा इस तरह से अगला शब्द क्या है अधीन तो आधीन जैसे पहले ही बताया अधीन शब्द यहां पर सही होता है चाहिए की जगह चाहिए सही हो जाएगा आजादी जो कि प्राय गलत लिखा जाता है आजादी जो है इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आवश्यक भी यहां पर गलत लिखा है आवश्यक में बड़े आ का प्रयोग होना चाहिए नाराज नाराज व्यवहारिक में व्यावहारिक यानी या पर जो है आ की मात्रा लगनी चाहिए आलोचना की जगह आलोचना बिल्कुल सही शब्द होता है अब आगे मूव करते हैं हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें इस तरह से आपने देखा होगा आ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं ये अपनी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है जब अंग्रेजी शब्दों का हमारे हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा विदेश विदेश शब्दों की तरह जो है तो एक नए जो है शब्द ने उत्पत्ति एक नए स्वर ने उत्पत्ति की जो इस तरह से लिखा जाने लगा है क्या जैसे कि आप जानते हैं ऑन आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं ऑन ओ एन ऑन अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो क्या हम लिखेंगे आन लेकिन दोनों के उच्चारण में ओ ओ एन ऑन लेकिन हिंदी में हम कहते हैं आन तो इसको जो है बिल्कुल उसके उच्चारण से मैच करने के लिए यहां पर जो है जो आविष्कार हुआ ये अ का हुआ तो ये जो अ है ये प्रायः जो है अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं उनमें लगाया जाता है तो यहां पर जितने भी अ लगने वाले शब्द हैं उनको एक साथ मैंने लिख दिया है इनका जो है गलत रूप बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है आप सही रूप जान लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि गलत क्या हो सकता है जैसे कॉन्फ्रेंस हम लिखते हैं तो कॉन्फ्रेंस जो है इस तरह से सही लिखी जाएगी उसके बाद अगर हम चॉकलेट लिखते हैं या चौक लिखते हैं तो उसमें भी इस तरह से हम लगा सकते हैं चॉकलेट हो गया पॉकेट फुटबॉल लॉन टॉकीज प्लाट लॉटरी ऑफ सॉप ऑन ऑमलेट ऑर्डर कॉलोनी ये सभी शब्द जो है इनमें ऑ का प्रयोग हुआ है सभी इंग्लिश के शब्द भी हैं कॉर्नर टॉफी पॉलिस कॉफी ऑर्डिनेंस डॉक्टर फार्म लार्ड ऑफिस हॉल बॉल लार्ज ऑस्ट्रेलिया गॉड इन सब में जो है आ का प्रयोग किया गया है तो आपने देखा कि जितने भी इंग्लिश के शब्दों को हु हिंदी में लिखने का प्रयोग कोशिश की जाती है और जिनमें आगे आ आता है या ऑन की जो है ध्वनि आती है तो उसके लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं यह आपको ध्यान रखना है ये सारे जो शब्द जो लिखे हुए ये शुद्ध शब्द हैं अब अगला उदाहरण यानी अगले स्वर पर चलते हैं छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई की अशुद्धि जहाँ पर छोटी का प्रयोग होना चाहिए वहाँ हम बड़ी का जो है कैसे प्रयोग कर रहे हैं गलत वो हम देखते हैं जैसे प्रीति तो बहुत लोग अपना नाम ही इस तरह से गलत लिखते हैं हालांकि जो आप लिखने लगेंगे नाम नाउन होता है उसके लिए लेकिन अगर इसको हम जो है साहित्यिक रूप से देखें व्याकरणिक रूप से देखें तो ये जो है प्रीति इस तरह से शब्द सही होगा बधाइयाँ तो बधाइयाँ में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग नहीं होना चाहिए बधाइया जो है यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया गया है भाइयों तो भाइयों में भी जो है बड़ी के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं ये शब्द जो है छोटी ई के साथ में इस तरह से सही है मंदिर तो मंदिर में छोटी ई का ही प्रयोग होता है इसलिए जो है ये वर्तनी की दृष्टि से मंदिर यहाँ पर सही है रात्रिता पर जो है बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी रात्रि छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा इसी प्रकार से लड़कियां तो यहां पर क्या हो जाएगा लड़कियां लिखा हुआ है यानी बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है जो गलत है लड़कियां इस तरह से जो है सही लिखा जाएगा फिर लाइट में बड़ी का प्रयोग नहीं होगा लाइट इस तरह से लिखा जाएगा इसी प्रकार से लाइन लाइन का शुद्ध जो है वर्तनी लाइन छोटी के साथ है लाइब्रेरी में भी यही गलती आप देख रहे हैं साइंस अब साइंस में साइंस जो है सिंपली इस तरह से लिख दिया जाएगा इसमें बड़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा स्त्रियों तो स्त्रियों में जो है छोटी ई जो है यहां पर पे आ जाएगी स्त्रियों में इस तरह से ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी तो ये जो है ई e के स्थान पर ई e के बड़ी के और उसी के कुछ और उदाहरण क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में प्राय आते हैं विधि तो विधि ना होके विधि होता है अच्छा धा पर जो है छोटी का उच्चारण और वही जो है दिखना भी चाहिए फिर कीर्ति अब बोलने को हम कीर्ति बोल दें जो है ता पर जो है बड़ी का जो है प्रभाव देते हुए लेकिन वो बोलने की अशुद्धि लिखने में हमेशा कीर्ति लिखा जाता है यानी ता पर छोटी का जो है उच्चारण आपको बोलना भी है लिखना भी है जाति की जगह जाति ये जाति कौन सी है कास्ट वाला है यहाँ पर क्रिया से संबंधित नहीं है टाइम जो है इस तरह से लिखा जाएगा निर्मित तो निर्मित गलत है निर्मित शब्द जो है यहां पर बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से पिया पिया की जगह पिया शब्द प्रति तो प्रति में जो है तापर छोटी की मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी प्राणियों में प्राणियों इस तरह से जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा ना कि रापर बड़ी की मात्रा लगेगी तो यह गलत है अभिनेता तो ये भी अभिनेता आप देख रहे हैं बड़ी की मात्रा लगाई गई है जो गलत है अभिनेता इस तरह से सही है तो अधिकांश शब्द इसमें से आप जानते हैं कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनका जो है हम गलत प्रयोग जो है रोजमर्रा के जीवन में करते हैं पूर्ति तो पूर्ति में पूर्ति होता है छोटी की मात्रा का ही उच्चारण और आना चाहिए शिखर शिखर की जगह शिखर शब्द जो है सही होता है इसी के और उदाहरण देखते हैं कि बड़ी के स्थान पर छोटी के स्थान पर तो बड़ी का प्रयोग अतिथि जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भाव लेकिन था पर जो है बड़ी की मात्रा नहीं है वहां पर अतिथि छोटी की मात्रा है तो उसको जो है छोटी का मात्रा के साथ इस तरह से लिखेंगे आईना को जो है आईना इस तरह से लिखा जाएगा इसी प्रकार से गति बलिदान ना कि बलिदान तो ला पर जो है बड़ी की मात्रा जो लगाई गई गलत है नायिका भी गलत लिखा है नायिका इस तरह से सही लिखा जाएगा आदि आदि की जगह आदि इच्छा इच्छा में कभी भी बड़ी का प्रयोग नहीं होगा इच्छा शब्द जो है हमेशा यही सही होता है उन्नति तो उन्नति होता है छोटी की मात्राता पर उपाधि इसी तरह से छोटी की मात्रा कठिनाइयां तो यहाँ पर जो है बड़ी के प्रयोग नहीं होगा कठिनाइयां इस तरह से यहां पर कठिनाइयां लिखा जाएगा अब इसी में जो है कुछ नियम हैं नियम के अपवाद भी हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं तो दवाई पक्षी प्राणी बधाई लड़की इनमें आप क्या देख रहे हैं इनमें बड़ी की मात्रा लगी हुई आदि में जो अंतिम बड़ी का स्वर है जब उसका बहुवचन बनाया जाता है यानी इन शब्दों का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वह ई में परिवर्तित हो जाता है यानी अगर इसका हम दवाई का जो है बहुवचन बना रहे हैं तो वो छोटी में दवाइयाँ तो वहां पर बड़ी का प्रयोग नहीं होगा इसी तरह से जैसे आप यहां एक उदाहरण से समझ सकते हैं कठिनाई तो ये क्या हो जाएगा बड़ी कहां बदल गई छोटी में बदल गई आप ये देख रहे हैं बड़ी कहां बदल गई छोटी में बदल गई इसी तरह से प्राणी तो अड़ा पर जो है बड़ी की मात्रा है लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा छोटी की मात्रा हो जाएगी दूसरा नियम क्या है और उसके बाद यदि या, या या यो शब्द जोड़ दिया जाता है तो जैसा भी जो है केस हो वहाँ पर या या यो शब्द का जोड़ दिया जाता है कठिनाई था तो हमने कठिनाइयां जोड़ दिया यहाँ पर लेकिन प्राणी था तो उसको हमने प्राणियों कर दिया तो बड़ी की मात्रा छोटी में जो है वहाँ पर चेंज हो जाती है जब बहुवचन बनाते हैं तो ये जो है एक विशेष उसका जो है ध्यान रखने योग्य बात है अब बड़ी के स्थान पर छोटी ई की अशुद्धि के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं तो पहला शब्द क्या है श्रीमती तो श्रीमती में जो है तापर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए ये बिल्कुल सही लिखा है परीक्षा परीक्षा में कभी भी रा पर छोटी की मात्रा नहीं होती परीक्षा शब्द बिल्कुल इस तरह से सही लिखा जाता है इसी तरह से बातचीत तो बातचीत बीमार में हम लोग बोलने में बोल लेते हैं वो बीमार है लेकिन होता क्या बीमार है बड़ी की मात्रा जो है यहाँ पर प्रयोग हुई है बेईमान तो बेईमान ये यहां पर सही हो जाएगा मंत्री मंत्री जो है इस तरह से सही होता है लेकिन अगर मंत्रिमंडल शब्द लिखा जा रहा है जब संधि करके लिखा जाता है जोड़ के लिखा जाता है तब जो है मंत्रिमंडल इसी तरह से लिखा जाएगा यानी त्रा पर जो है छोटी की मात्रा जो है लगाई जाएगी तो ये याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो मंत्रिमंडल लिखते समय आप जो है मंत्री मंत्रिमंडल लिख दें यानी बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर दें तो वो गलत हो जाएगा यही की जगह पर यही सही होता है राजनीति तो ना पर बड़ी की मात्रा लगती है विनित तो विनित की जगह शुद्ध शब्द क्या है शुद्ध वर्तनी विनीत है इसकी शताब्दी इस तरह से सही लिखा जाता है दा पर बड़ी की मात्रा लगेगी ना ना कि शताब्दी इस तरह से गलत है सूची पत्र तो सूची पत्र नहीं होता सूची पत्र होता है और बीच में जो है इस तरह से डैश का प्रयोग यहां पर किया जाता है इसी तरह के कुछ और उदाहरण की जगह शुद्ध शब्द कौन सा होता है अधीन होता है ईंधन की जगह इस तरह से बड़ी का प्रयोग किया जाता है उत्तीर्ण उत्तीर्ण में बड़ी का प्रयोग कीजिए की जगह इस तरह से कीजिए का पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग फिर कीमत की जगह कीमत सही होता है केंद्रीय इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप में दा पर छोटी की मात्रा नहीं लगाई जाती है तो ये सब ऐसे कॉमन शब्द हैं जो आप रोज बोलते हैं रोज लिखते हैं ये सब आपको जो है लगभग लगभग पता होगा टीचर गलत लिखा है टीचर सही है इसी प्रकार से तारीख में इस तरह से लिखा जाता है दीवार कभी कभी बोलने में दीवार बोल देते हैं ऐसा लगता है पर छोटी मात्रा प्रयोग हुआ लेकिन वो गलत है दा पर यहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ दीवार फिर नहीं तो नहीं का में जो है हाथ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है पत्नी जो है इसमें ना पर बड़ी की मात्रा ये सही होगा तो इस तरह से ये जो है सारे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो गए अब ई और ई से संबंधी देखते हैं कौन कौन से शब्द बचे हैं या कुछ रिविजन हो जाएगा यहाँ पर तो तिथि तो यहाँ पर छोटी क्या प्रयोग किया है दीवार अभी हमने देखा बीमारी श्रीमती क्योंकि कवित्री कवित्री तो जो है कम से कम दस पाँच बार जो है एग्जाम से पूछा जा चुका है विभिन्न इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कवित्री इस तरह से इसका शुद्ध वर्तन होता है दिवाली इस तरह से लिखा जाता है अतिथि में जो है थापर बड़ी की मात्रा नहीं अतिथि होता है था पर छोटी की मात्रा अभी हमने पीछे डिस्कस किया फिर दीपावली पत्नी मुनि परीक्षा रचयिता रचयिता भी कई बार पूछा गया एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्नति कोटि और कालिदास कालिदास भी कई बार पूछा गया है क्योंकि लोग प्रायः कालिदास ला पर बड़ी की मात्रा बोलते हैं क्योंकि तो ये बोलने की भी होती कालिदास कोई नहीं बोलता कालिदास हम लोग बोलते हैं जैसे कि काली अलग शब्द हो दास अलग शब्द हो लेकिन वहीं पर लिखने में गलती हो जाती क्योंकि यहाँ पर ला पर जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए तो इस तरह से कालीदास जो है इस तरह से लिखा जाना चाहिए जो कि वर्तनी की दृष्टि से सही होगा आगे चलते हैं अगला प्रकार लेते हैं अब हम उ और बड़ा उ इस पे जो है ध्यान देते हैं तो छोटा ऊ के स्थान पर बड़े ऊ कहाँ पर प्रयोग होते हैं और उनके सही गलत शब्द कौन से हैं तो आप देख सकते हैं दुकान प्राय ऐसे लोग जो है दापर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं लेकिन ये क्या है दुकान इस तरह से सही होगा धुआं में जो है धुआं इस तरह से लिखा जाएगा छोटे ऊ की मात्रा लगेगी इसी प्रकार से हाउस में जो है छोटा ऊ का प्रयोग होगा रुक में जो है छोटा उ का प्रयोग होगा आप देख सकते हैं जो हिंदी का फॉन्ट है उसमें रू और रू यानी बड़े ऊ को जब रा के साथ दिखाते हैं तो ये क्या है ये बड़ा उ है और जब बिना बड़े ऊ के दिखाते हैं यानी छोटे ऊ के साथ लिखा जाता है तो सिंपली इस तरह से लिखा जाता है लेकिन हिंदी के अधिकांश फॉन्ट में जो है ये स्पष्ट रूप से आप जो है इसको नहीं देख पाएंगे तो रुक और रुक इस तरह से जो है बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग ना करके अगर यहाँ पर जो है फॉन्ट सही होता तो ये इस तरह से देखने में लगता और ये अपनी जगह पे सही लिखा हुआ है फिर भून गया की जगह भून गया इसी प्रकार से बहू ये बहू जो है पारिवारिक रिश्ते वाली नाव के बहु जो अधिक होता है जैसे बहुतायत तो बहु जो है अधिक के सेंस में जो प्रयोग होता है उसमें जो है छोटे ऊ की मात्रा लगाते इसी प्रकार से अब रुपए और रुपए तो रुपए में जो है प्राय अगर इस तरह से लिखा गया है रू तो वो गलत है क्योंकि तो जो है क्या है ये छोटे की मात्रा ही का ही जो उसमें प्रयोग किया जाएगा उन्नति जो उन्नति सही होता है जुआ में जुआ इस तरह से छोटे की मात्रा फिर बुरा की जगह बुरा तली भुनी की जगह तली भुनी तुम ही में जो है तुम ही इस तरह से लिखा जाएगा इसी तरह के कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे हमारा जो है उ और छोटे ऊ और बड़े ऊ के बारे में अपना कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकें तो आप देख रहे हैं उच्चारण यहाँ पर क्या है ऊ का प्रयोग हुआ बड़े ऊ का तो उच्चारण ना हो के उच्चारण शब्द जो है बिल्कुल सही है इसी प्रकार से गुरु और गुरु तो गुरु में जो है गुरु ना हो के गुरु होता है इस तरह से छोटे ऊ का प्रयोग उसमें होना चाहिए छुआछूत इस प्रकार से सही लिखा जाएगा कूल और कुल तो छोटे ऊ के साथ कुल इस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा हुआ है दुखी में ऊ की मात्रा बड़ी नहीं होती है दुखी जो है छोटे ऊ के साथ सही होता है इसी प्रकार हेतु तो हेतु कभी कभी हम जोर दे के तापर ऊ को जो है उभारने का प्रयास करते हैं लेकिन वो गलत है क्योंकि वो क्या है हेतु है यानी उसमें छोटे ऊ का प्रयोग होना सही है किंतु में भी इसी प्रकार से छोटे ऊ का प्रयोग होता है तो, लेकिन कभी कभी बोलने में किंतु अगर हम हम लंबा खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े ऊ का प्रयोग हुआ है इसी तरह से परंतु और प्रभु तो प्रभु शब्द तो जो है हम लोग प्रायग्रंथ लिख देते हैं क्योंकि तो प्रभु जो है बोलने में ऐसा लगता है कि हम बड़े ऊ का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन जो है ये क्या है प्रभु है प्रभु तो छोटे ऊ का इसमें उच्चारण आना चाहिए इसी प्रकार से करुणा में छोटा ऊ साधु में धापर छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से सही है और अनुसूचित तो ये क्या होता है यहां पर ना पर देखिए अनुसूचित लिखा हुआ है बड़े ऊ का प्रयोग किया गया जो कि गलत है तो सही क्या है अनुसूचित इसी तरह से आपको चार विकल्प दे दिए जाते हैं उसमें से सही वर्तनी बतानी होती है आगे देखते हैं पूर्ति तो पूर्ति अब यहां पर हम उल्टा केस देखेंगे बड़े ऊ का प्रयोग होना चाहिए छोटे ऊ के स्थान पर तो यहाँ क्या है ये क्या सही होता पूर्ति इसी तरह से पूज्य बूढ़ा शुरू में जो है बड़ेऊ का प्रयोग होना चाहिए सरलता पूर्वक तो ये पूर्वक न होकर क्या होना चाहिए पूर्वक होना चाहिए यानी पापर ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए हिंदू तो हिंदू में दापर बड़ेऊ की मात्रा इसी तरह से पूरा फिर सूची पत्र तो सूची पत्र ना लिख के उसको सूची पत्र कहेंगे जो बिल्कुल सही वर्तनी है तूफान तूफान को हम इस तरह से लिख सकते हैं कानून कानून में ना पर बड़े ऊ की मात्रा आगे देखते हैं दूरी तो दूरी जो है इस तरह से ये बोलने में भी इसी तरह बोला जाता है स्कूल फूल बहू ऊपर अब यहाँ पर जो बहू है आप कहेंगे कि जो है बहु तो ये बहु आयामी वाला बहु नहीं है यहाँ पर कौन सा बहु है ये रिश्तों वाला बहु है जो है तो यहाँ पर बहु में हा पर ऊ की मात्रा का प्रयोग इस तरह से किया गया बड़े उ की मात्रा फिर आशु छोटे उ का प्रयोग गलत है यहाँ पर आशु को इस तरह से लिखा जाएगा जरूरी में रा पर बड़े उ की मात्रा लगेगी पूर्व और भूमि तो ये जो है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हो गए जो हमने देखे अब इससे रिलेटेड जो है देखते हैं पूज्य नीय है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे ऊ का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है सही क्या है पूजनीय इसी तरह से प्रभु साधु गेहूं ये सभी हमने देख लिया वधु हिंदू पशु पशु जो है बड़े ऊ की मात्रा ना के छोटे ऊ का प्रयोग होता है पशु रुमाल रुपया ये सभी जो है फिर रूई तूफान आप सभी उदाहरण देख सकते हैं ये इधर जो है सारे जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द जो है लिखे गए हैं अब ए और ए में जो है जो कंफ्यूजन होती है जो गलतियां होती हैं और यह जो है बहुत ज्यादा होती हैं कि कहां पर बड़े ए का प्रयोग होगा कहां पर छोटे ए का प्रयोग होगा तो योग्यताएं आप देख सकते हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए छोटा ए योग्यताएं इस तरह से लिखा जाएगा सेना गलत लिखा होगा सेना इस तरह से लिखा जाएगा योगी भी नहीं लिखा जाएगा योगी शब्द जो है बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से अभिषेक इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है चाहिए इसी प्रकार से फेंकना फेंकना ना हो शब्द क्या है फेंकना तो ये सही है फैल की जगह फेल शब्द हमेशा सही प्रयोग होता है इस तरह से खेतिहर और हमेशा ये जो है हमेशा में छोटे की, एक ही मात्रा फिर मट मेले तो मट मेले जो है बिल्कुल गलत है वर्तनी की दृष्टि से मट मैले फिर पैतृक और पैतृक तो पैतृक शब्द इसमें सही है इसी प्रकार से वेश की जगह वैश्य सैनिक की जगह सैनिक सही है हैंड ना हो के हैंड शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है की जैसा की जगह जैसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा पेशा इसकी जगह क्या लिखा जाएगा पैसा फिर मैशूर ये बिल्कुल सही है अगले में कैलाश में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई ये बिल्कुल गलत है दोनों ही आप अगर देख लें तो कैलाश ना के कैलाश तो होगा लेकिन जो सा है वो कौन सा शुद्ध होगा ये वाला सा यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध होगा तो जो है कैलाश काफी प्रचलित है हम लोग जो है गलत ही लिखते आ रहे हैं और कई किताबों में भी जो है हमको लिखा हुआ मिल जाता है कैलाश प्राय जो है इस तरह से सभी लोग की लिखने की आदत होती है लेकिन कैलाश जो है जो लिखा जाता है उस शुद्ध रूप क्या है इसमें सा जो है सरोज वाले सा का प्रयोग किया जाता है आगे चलते हैं कुछ और उदाहरण देखते हैं एक्ट तो यहां पर क्या है अब यहाँ पर बड़े का जो है प्रयोग होगा एक्शन में एक्शन यहां पर बड़े का प्रयोग होगा फिर इसी तरह से मैनेजर ना कि मैनेजर सने सने तो सने सने की जगह सनई सनई ये जो है बड़े मत होगी कैंटीन कैंटीन कैबिनेट टैक्स और दैहिक इसको आप देख सकते हैं तो ये सभी जो है इस तरह से बड़े एका यहां पर प्रयोग होना चाहिए जहां पर छोटे एका किया गया था फिर सैना गलत है हमने पीछे भी देखा इसको सेना इसी प्रकार से ऐश्वर्य तो ये क्या है यहां पर ऐश्वर्य होना चाहिए बड़े का प्रयोग फिर एनक इस तरह से करेक्ट लिखा जाएगा नयन की जगह नयन सैना की जगह सेना चाहिए की जगह चाहिए इस तरह से जो है ये करेक्शन पर हम कर सकते हैं अब ओ और ओ तो ये दोनों ही स्वर जो है अब इनमें क्या जो है कंफ्यूजन रहती है इसको हम देखते हैं तो ओ और ओ की गलतियां पारलौकिक पारलौकिक की जगह पारलौकिक शब्द यहां पर बिल्कुल करेक्ट है औद्योगिक की जगह औद्योगिक शब्द आप देख सकते हैं क्या गलती है यहां पर ओ का प्रयोग किया गया है जबकि यहां पर औ का प्रयोग होना चाहिए इसी तरह से दौड़ना तो दौड़ना में दो ना होके, हो के दौ होगा इसी तरह से होले तो होले फिर प्रौढ़ दौरा की जगह दौरा औरत की जगह औरत यह सही शब्द है इंदौर कई लोग गलत लिख भी देते हैं इस तरह से लेकिन इंदौर जो है उसका सही रूप है फिर गौरव की जगह गौरव पौरुष की जगह पौरुष इस तरह से प्रयोग होगा गौतम गलत शब्द है गौतम यहां पर बिल्कुल सही है फिर नौकरी की जगह नौकरी तो ये सब कॉमन शब्द हैं जो आप जो है लगातार पढ़ते रहते हैं कुछ और शब्द इसी से जुड़े हुए रोशनी तो रोशनी प्राय बोलने में रोशनी रोशन रौसन हम लोग इस तरह से बोलते हैं लेकिन यहां पर औ का प्रयोग ना होके ओ का यानी रोशन तो रोशनी हो जाएगा सही इसी प्रकार से त्योहार लेकिन होता क्या सही त्योहार सही होता शब्द भौगोलिक की जगह भौगोलिक की जगह बौद्धिक शब्द सही है फिर परलौकिक की जगह पारलौकिक जो हमने पहले भी बताया जो है पौधा की जगह पौधा चुनाव में ऊ का प्रयोग ना होके वा का प्रयोग होगा चुनाव शब्द सही होता है होले की जगह होले शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाना चाहिए अब रा जो मात्रा के स्वरूप में जो है लगाई जाती है तो रा जो है प्राय जैसे जागृत है इस तरह के शब्द जो है कई बार एग्जाम पूछे गए हैं तो एक बार इस पर नज़र हम डालते हैं कि कौन कौन से सही कौन कौन से गलत है यहाँ पर तो आशीर्वाद सबसे कॉमन गलती होती है अगर वाह के ऊपर रा लगा दिया जाएगा तो जो है ये सही हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर सा के साथ में ही रा लगा रहेगा सा के ऊपर बड़ी की मात्रा के साथ में ही रा लगे रहेगा तो ये गलत होगा इसीलिए जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्योंकि प्रायः इस तरह से लिखा ही जाता है अधिकांश जगह लोग इसको नहीं जानते हैं कि ये गलत है फिर कार्यक्रम तो कार्यक्रम नाव के कार्यक्रम होता है का में नीचे रा लगेगा इसी प्रकार से आदर्श में दा पर रा लगा के सा पर जो है रा लगाया जाता है तो ये जो ऊपर रा लगाया जाता है इसको जो है स्पष्ट रूप से आप उच्चारण से समझ सकते हैं जैसे अगर हम आदर्श बोल रहे हैं तो आ दा फिर रा फिर सा यानी हम दा के बाद रा का उच्चारण कर रहे हैं आ के बाद दा फिर रा फिर हम सा का उच्चारण कर रहे हैं तो अगर हम इस रा को यहां पर लगा देंगे तो इसका उच्चारण आ के तुरंत बाद आने लगेगा इसलिए अगर हम रा को सा के ऊपर लगाते हैं तो आद के बाद हम रा बोलेंगे फिर शा बोलेंगे तो इस तरह से आदर्श यहाँ पर सही हो जाएगा तो इसको आप जो है जब कभी आपके सामने कन्फ्यूजन हो तो आप खुद इसका उच्चारण करके आप समझ सकते हैं कि रा की जो है एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है फिर नरमी को नरमी इस तरह से सही लिखा जाएगा श्रोत्र कृपा में का में नीचे रा लगाया जाता है और गर्म गर्म जो है गर्म शुद्ध शब्द जो है इसका गर्म होता है जबकि प्राय जो है गर्म भी लिखा जाता है लेकिन अगर मानक हिंदी की बात करें तो गर्म शब्द जो है सही है इसी प्रकार से एक शब्द है जागृत तो ये जो जागृत शब्द है ये प्राय इस तरह से अशुद्ध लिखा जाता है इसको शुद्ध रूप से हम कैसे लिख सकते हैं जागृत गा के नीचे वाला राय इसमें लगाया जाएगा अब कुछ जो है ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के बीच हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है अच्छी अच्छी पुस्तकों में भी जो इसका क्लियरेंस नहीं होता लेकिन उनमें हमको कौन से मानक हिंदी में प्रचलित शब्द हैं उसको कैसे चुने तो यहां पर हम देखते हैं तो जैसे गर्दन और गर्दन आप ये अंतर देख सकते हैं गर्दन और गर्दन दोनों ही आपको लिखा मिल सकता है गर्मी और गर्मी जो अभी हमने देखा बर्फ बर्फ बिल्कुल और बिल्कुल अब यहाँ पर समस्या है कि ला वाले को कंप्लीट माना जाए कि आधा ला को कंप्लीट माना जाए तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ उसमें जो पहला शब्द है वो जो है मानक हिंदी की दृष्टि से सही माना गया यहाँ पर लिखा हुआ है इन वैकल्पिक रूपों में से पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए मानक हिंदी के अनुसार इसी प्रकार से सर्दी कुर्सी भर्ती फुर्सत बर्दाश्त वापस अब जैसे वापिस बहुत जगह लिखा रहता है फिर आखिरकार बर्तन और बर्तन ये दोनों ही बहुत प्रचलित हैं अक्सर लिखे हुए मिल जाते हैं दोबारा दोबारा में तो है तो दोबारा शब्द जो है यहाँ पर ज़्यादा शुद्ध है इसी प्रकार से दुकान बीमारी ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनमें लगभग लगभग मिलते जुलते और ये बहुत ज्यादा प्रचलित होने के कारण कई विद्वानों में जो है इनमें मतभेद भी है कि कौन सा शब्द सही है लेकिन अगर मानक हिंदी को जो है आधार बनाया जाए तो जो भी इनमें पहले विकल्प में शब्द लिखे हैं वो सभी सही हैं अब री और रा हमने रा से संबंधित तो कुछ देख लिया री और रा दोनों को यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से तो ऋतु ऋतु में जो है री का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा वृक्ष में वा के नीचे इस तरह से रा नहीं लगेगा यह गलत है सही क्या है वृक्ष इसी प्रकार से श्रृंगार में कई बार जो है वर्तनी की जो है पूछी जाती है तो श्रृंगार में जो है यह श्रृंगार जो है बिल्कुल सही है और श्रृंगाल तो यह आला सही है गृहस्थी में गा में नीचे रा लगता है तो गृहस्थिक एक तरह से बोला जाएगा और ऋण इस तरह से सही लिखा जाएगा यानी ऋण से मुक्त हो जाना आदरित तो यह आदृत हो जाता है ऋषि इस तरह सही लिखा जाएगा प्रथक में प्रा जो लिखा गया है ये ये बिल्कुल गलत है प्रथक में प्रा कैसे बनेगा पृथक इस तरह से जो है पा के नीचे रा लगाया जाएगा फिर पृथ्वी भी गलत लिखा है पृथ्वी सही लिखी है घृणा और ग्रहणी तो इस तरह से रा और री के प्रयोग आप देख रहे हैं अब शा 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 ये तीनों जो है वैसे तो ये व्यंजन है लेकिन हमने इसको यहीं पर ले लिया है आगे फिर से इसको जो है इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे तो कुछ जो है प्रायः जो है कामन गलतियां हैं कि दो शाह के बीच जो है कौन से शाह को माना जाए कौन सा शाह पहले आता है कौन सा इसका नियम भी है जो हम अगले स्लाइड पर पढ़ेंगे तो दुशासन आप देख सकते हैं दुशासन प्रशंसा प्रसाद कष्ट इस तरह से सही लिखा जाएगा सभी के गलत रूप आप लिखे हुए यहाँ पे सुषमा तो सुषमा में शटकोड़ वाला सा होगा अमावस्या में ये वाला सा नहीं होता अमावस्या में आधा सा होता है लेकिन सरोज वाला सा होता है नमस्कार में ये वाला और विशेषण इस तरह से जो है करेक्ट रूप में लिखा जाएगा अब सा शा और शाह की जो अशुद्धियाँ हैं इनमें जो है कुछ नियम बताए गए हैं कि उन कैसे जो है इसमें हम विभेद करें कि शाह शाह और शाह तीनों तरह के शाह को जो है हम डिफाइन कर पाए कि, कि किसका प्रयोग कैसे होगा तो देखते हैं जैसे सटकोड़ वाला शाह है तो केवल संस्कृत शब्दों में आता है यानी ये तत्सम जो है ज़्यादातर जो है शब्द जो होते हैं उनमें ही ये शब्द जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कशा संतोष भाषा गवेषणा द्वेष मूसक कसाय पौष चषक पीयूष शुशुश्रुआ भाषा सट तो ये क्या है आपने देख लिया जितने भी संस्कृत शब्द में होता है उनमें सा का जो है सटकोड़ वाले सा जिसको खटकोड़ भी कहते हैं तो सटकोड़ या खटकोड़ वाला सा का इसमें प्रयोग होता है जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में सा होता है मूल धातु में सा होता है तो उनसे बने शब्दों में भी शाही रहता है जैसे शिष्य तो शिष्य जो है मूल धातु है और इससे शब्द क्या बन गया शिष्य उसी प्रकार से शिष्ट बन गया शेष बन गया उससे तो इसमें क्या है सटकोड़ वाला सा उसी तरह से बना रहेगा फिर संधि करने में का खा टा ठा पा फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा सा हो जाता है तो अगर इनसे पहले कोई विसर्ग लगा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा सा में चेंज हो जाएगा जो आप जो है संधि के नियमों में देखेंगे यदि किसी शब्द में शाह तो यहाँ पर क्या बात हो रही सरोज वाले सा की तो उसके पूर्व में आ या बड़ा आ जाए छोटा आ या बड़ा आ जाए सिवाय तो भी उससे भिन्न कोई स्वर आ जाए तो उस सा के स्थान पर ये वाला सा यानी सटकोड़ वाला सा हो जाता है इसी तरह से एक अगला नियम है कि टा वर्ग के जो शब्द है इसके पूर्व अगर केवल सा आता कहीं पर तो कैसे केवल सा लिखा जैसे सोडस सडानन कष्ट नष्ट तो इसमें जो है टा वर्ग वाले जो है अक्षरों में इस वाले शाह का प्रयोग होता है अगर री के बाद प्राय शाही ही आता है जैसे ऋषि कृषि वृष्टि और त्रिषा तो यानी री के बाद अगर शाह का प्रयोग होगा तो हमेशा जो है खटकोड़ वाले शाह का प्रयोग किया जाएगा संस्कृत शब्दों में चा छा के पूर्व जो है ये वाला शाह आता है शशि वाला जैसे निश्चल निश्चल इस तरह से लिखा जाएगा जहाँ सा और सा में एक साथ प्रयोग हो यानी शशि वाला सा और सरोज वाला सा तो दोनों अगर एक साथ प्रयोग होते हैं तो वहाँ शाह जो है शशि वाला सा हमेशा पहले आता है जैसे इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कुछ लोग जैसे शासक लिखना होता है तो जल्दीबाजी में कहिए इस तरह से लिख दें ये गलत है हमेशा जो है ये वाला सा पहले आना चाहिए ये इसके बाद आना चाहिए अगर दोनों सा एक साथ प्रयोग हो रहे हैं तो सही क्या है शासन शासक प्रशंसा नृशंस तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो आपको याद रखना होगा कि अगर शशि वाला सा और सरोज वाला सा एक साथ आता है तो पहले शशि वाले सा को लिखा जाएगा उसके बाद जो है इस सा को लिखा जाएगा फिर जहाँ पर शशि वाला सा और सटकोड़ वाला सा एक साथ आते हैं वहाँ सा के पश्चात जो है सटकोड़ वाला सा आएगा यानी यहां भी शशि वाला सा ही आगे हो जाएगा जैसे शोषण शीर्षक शेष विशेष ये सभी जो है इस तरह से लिखे जाएंगे और अगर उपसर्ग के रूप में निह है वी है तो इनके आने पर मूल शब्द का सा पूर्वत बना रहता है जैसे निशय तो निदेह विस्तृत विस्तार यानी यहां पर सा में जो है कोई भी चेंज नहीं होता है अब सा के ही कुछ है यदि तत्सम शब्दों में शाह हो और उसके तद्भव में सा होता है तो ये एक पहचान है कि कोई भी तत्सम शब्द जिसमें सा का प्रयोग हुआ होगा तो उसका जो तद्भव बनता है उसमें जो है ये सरोज वाले सा का प्रयोग होता है जैसे कि सूली तो सूली में आप देख सकते हैं ससी वाला सा का प्रयोग जो बिल्कुल सही है क्योंकि ये तत्सम है लेकिन जब इसका तद्भव लिखा जाता है तो सूली लिख दिया इसी तरह से साग का साग सूकर का सुअर शसुर का ससुर श्यामल का सांवला आप देख सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जो शशि वाला शाह है अगर वो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ है तो उसका जो तद्भव बनेगा उसमें प्राय जो है सतकु सरोज वाले शाह का जो है प्रयोग किया जाएगा फिर कभी कभी शाह के स्थान पर शाह लिखकर और कभी शब्दों के आरंभ में शाह के साथ किसी अक्षर के मेल होने पर अशुद्धियाँ होती हैं जैसे कि स्त्री तो स्त्री शुद्ध है और इस तरह से स्त्री अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा इसी तरह से स्नान शब्द शुद्ध है स्नान गलत है परस्पर में जो है पर इस पर ये गलत है तो परस्पर जो है वाला सही है तो दोस्तों ये जो है कुछ नियम थे लास्ट में और आपने ये लेक्चर देखा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा क्योंकि हम इसी तरह से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की पूरी हिंदी को जो है एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से इस चैनल पर पढ़ेंगे लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है मैं इसको बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट भी ज़रूरी है पढ़ने वाले का इंटरेस्ट होगा तभी जो है पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है तो आज के इस लेक्चर में इतना ही इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सीरीज में नमस्कार धन्यवाद